यूक्रेन ने युद्ध के पहले हफ्ते में रूस का जिस तरह से डटकर मुकाबला किया वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की उम्मीदों के उलट है। रूस के सैन्य अधिकारियों ने जो अनुमान लगाया था स्थितियां उससे अलग हैं। हालांकि ये युद्ध की अभी शुरुआत है जो भयंकर जंग में तब्दील हो सकती है। पुतिन को उम्मीद होगी कि रूस हमले के कुछ दिनों में ही कीव को कब्जे में ले लेगा। उन्हें भरोसा होगा कि पश्चिमी देश डरकर विभाजित हो जाएंगे और यूक्रेन पर उनका दावा स्वीकार कर लेंगे जिसे वो रूस का ही हिस्सा मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन रूस के लिए टेढ़ी खीर बन गया। वहीं पश्चिमी देशों और खास तौर पर जर्मनी की प्रतिक्रिया भी उनके अनुमान से ज्यादा सख्त रही है। ये सब व्लादिमीर पुतिन के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ये सब पुतिन के गलत अनुमानों का नतीजा है। वो बहुत कम सलाहकारों पर भरोसा करते हैं जो सिर्फ उनकी हाँ में हाँ मिलाते हों। अब वो नए विकल्पों की तरफ भी देखेंगे। जब उन्हें रोका जाता है तो वो पीछे हटने से इनकार कर देते हैं और ज्यादा मजबूती से प्रहार करते हैं। उनके पास ऐसा करने के लिए हथियार भी हैं। अमेरिका में यूक्रेन के राजदूत ने दावा किया कि रूस की सेना पहले ही थर्मोबेरिक हथियार का इस्तेमाल कर चुकी है। इस हथियार को वैक्यूम बम भी कहा जाता है जो वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन को सोख कर बहुत ज्यादा ऊर्जा के साथ बड़ा धमाका करता है। हालांकि ऐसे समय में राजदूत बड़े बड़े दावे किया करते हैं, लेकिन यूक्रेन की तरफ बढ़ते हुए रूस के थर्मोबेरिक रॉकेट लॉन्चर के वीडियो देखे गए हैं। ऐसी तस्वीरें भी हैं कि खारकीये में आम नागरिकों के खिलाफ क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया। ये बम फटने पर छोटे छोटे नुकीले टुकड़े निकालते हैं जो आसपास मौजूद लोगों को घायल कर देते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इन्हें 2008 में प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन रूस ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया था। उसने दावा किया था कि वो क्लस्टर बमों का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय मानवीय नियमों के मुताबिक करेगा, लेकिन खारकीव के लोगों का अनुभव कुछ और ही होगा। व्लादिमीर पुतिन ने खतरनाक हथियारों के इस्तेमाल को लेकर कभी हिचक नहीं दिखाई। क्या पुतिन यूक्रेन को जीतने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? ऐसी संभावना हो सकती है, लेकिन कई विशेषज्ञों का कहना है कि स्थितियां अभी यहां तक नहीं पहुंची हैं। ये सही है कि पुतिन ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई यूक्रेन में बाहर से दखल देने की कोशिश करता है तो उसे अपने इतिहास से भी ज्यादा गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। वो अक्सर ये बात कह चुके हैं कि अगर दुनिया में रूस शामिल नहीं है तो दुनिया का अस्तित्व क्यों बना रहे। लेकिन इतिहास खुद को दोहरा सकता है। 1939 में जब स्टालिन ने फिनलैंड पर हमला किया था तो उन्हें इसके कुछ ही दिनों में हथियार डालने की उम्मीद थी, लेकिन फिनलैंड ने कड़ा पलटवार किया और रूस की सेना को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। शीत युद्ध खत्म होने में लगभग एक साल का समय था। फिनलैंड ने अपना क्षेत्र खो दिया, लेकिन वो एक स्वतंत्र देश बन गया। संभावना है कि यूक्रेन में भी युद्ध इसी तरह खत्म होगा। अभी बस शुरुआत हुई है। यूक्रेन कई दिनों से डटा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो रूस को और ज्यादा समय तक रोक सकता है। पर यह सही है कि युद्ध का पहला राउंड एक तरफा नहीं रहा है। पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया लोगों की उम्मीदों से ज्यादा मजबूत रही है, खास तौर पर पुतिन की उम्मीदों से।